Hello everyone. In the last video, we discussed the various parts of alimentary canals. These are buccal cavity, esophagus, the stomach, and the next is the small intestine. Stomach ke baare mein humne already pad liya hai. Kya hota hai? Thick wall structure hota hai, J shaped hota hai. Isme enzymes, digestive juices secrete hote hain aur हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो जाता होता है एंड दिस एसिड किल्स द बैक्टीरिया दैट इंटर्स विद द फूड इन द स्टमक एंड दिस एसिड मेक द एसिडिक मीडियम बनाता है हमारे स्टमक में जो क्या करता है बहुत से ताकि जो स्टमक में डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होते हैं वो अपना काम कर सकें इस एसिडिक मीडियम में डाइजेस्टिव जूसेज दिस डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इन टू वेरी सिंपल सब्सटेंसेज प्रोटीन जब सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाता है एमिनो एसिड्स बनाता है तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है माउथ में होता है बकल कैविटी में प्रोटीन का ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है स्टमक में होता है नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टूडेंट्स इट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज 7.5 मीटर्स लॉन्ग कैन यू बिलीव हमारी बॉडी में होता है और ये 7.5 मीटर्स लंबी होती है Small intestine, like stomach, secretes digestive juices. It also secretes intestinal juices along with it. It receives, it accepts the secretion that are given by liver and pancreas. Liver or pancreas से जो secretion होता है वो भी intestine, small intestine में ही enter करते हैं. तो पहले हम liver के बारे में पढ़ लेते हैं. Liver is the largest gland of the body. This is the liver. Liver hai ye. This is the largest gland of the body. It is situated at the right side of the upper abdomen. The liver secretes bile juice. Bile juice. This bile juice is stored in a sac called gallbladder. लिवर बाइल सेक्रेट करता है ये बाइल इस गाल ब्लैडर यू कैन सी दैट गाल ब्लैडर राइट हियर दिस गाल ब्लैडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेशन ऑफ द बाइल दैट इज सेक्रेटेड बाय द लिवर सो बाइल का काम क्या है बाइल लिवर सेक्रेट करता है गाल ब्लैडर में जाता है तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल बाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट इट डाइजेस्ट द फैट फैट के डाइजेशन के लिए बाइल का रोल होता है तो व्हाट इज पैनक्रियाज पैनक्रियाज इट इज ऑल्सो अ ग्लैंड हमारे एलिमेंट्री कैनाल में थ्री टाइप्स के ग्लैंड हमने देखे फर्स्ट इज सलाइवरी ग्लैंड सेकेंड इज लिवर एंड द थर्ड वन इज पैनक्रियाज इट्स अ क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक स्टूडेंट्स दिस इज द पैनक्रियाज इट लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है क्रीम कलर का होता है पैनक्रियाज भी इंजाइम सिक्रीट करता है दैट वी टर्म एज पैनक्रियाटिक जूस दिस पैनक्रियाटिक जूस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट इज कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स चेंजिंग देम इनटू वेरी सिंपलर फॉर्म इनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है ये सब बड़े मॉलिक्यूल्स में होते हैं वी कैन नॉट डाइजेस्ट देम इन देयर ओरिजिनल फॉर्म सो दिस हैव टू बी ब्रेक डाउन इनटू देयर सिंपलर फॉर्म सो दैट दे कैन बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी फिर पैनक्रियाज से हाफ डाइजेस्ट होता है पार्टली डाइजेस्ट होता है कम्प्लीट डाइजेस्टन नहीं होता है फूड कंपोनेंट्स का फिर कहाँ पहुंचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करता है एंजाइम सेक्रेट करता है विच इज इंटेस्टाइनल जूस दिस इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड इंटेस्टाइनल जूस जो होता है वो डाइजेशन कंप्लीट करता है किसका कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है शुगर ग्लूकोज में फैट को किस में कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड्स में ये सब इनके सिंपलर फॉर्म्स हैं इसके बाद ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं वी विल डिस्कस इट लेटर दिस इज द एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन अब हमने डाइजेशन पढ़ लिया डाइजेशन हो गया बट इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इन कंपोनेंट्स का इन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होगा तभी तो हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे
फिर जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, वो कहाँ पे जाता है? इंटेस्टाइन के वॉल में, इंटेस्टाइन के वॉल में, ब्लड वेसल्स में एंटर करता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। इसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। आवर इंटेस्टाइन कंटेन्स अ लार्ज फिंगर लाइक आउटग्रोथ दैट आर कॉल्ड विली। विली बोलते हैं इसको। तो ये कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर, ये फिंगर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, आउटग्रोथ होती है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। इसको सिंगुलर विलस बोलते हैं। तो इनका रोल क्या होता है? ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया होता है, वो उसको इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ताकि फूड जो है डाइजेस्ट हुआ है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, वो और अच्छे से प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो सके। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। पर्टिकुलर इसको ग्रुप में विली बोलेंगे, सिंगुलर विलस। और हर विलस का क्या होगा? उसमें पतले ब्लड वेसल्स, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं, खाना फूड जो होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, उस ब्लड वेसल्स में पहुंचता है, और वहां से क्या होता है, ब्लड वेसल से वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑर्गन्स में पहुंचता है बॉडी के। सो दैट ब्लड वेसल्स इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब सब्सटेंस टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। वो जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फिर से बना लेते हैं, जैसे प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया, और ये एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन क्या होता है? When the food is absorbed, it is transported to different organs of the body through the vessels where they can be utilized to gain energy. This process is called assimilation. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. Ab assimilation ke baad kya hota hai? Glucose टूट जाता है दो मॉलिक्यूल्स में, ऑक्सीजन में और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, वेयर एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है, एंड वी यूज दिस एनर्जी टू डू वेरियस वर्क। एंड आफ्टर दैट द फूड दैट इज अनडाइजेस्टेड, जो बचा हुआ फूड होता है, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, इट एंटर्स इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ द नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। You can see here, this is a small intestine and this is a large intestine. The food that cannot be digested, that cannot be absorbed, it enters into the large intestine. It is smaller or wider than the small intestine. Small intestine से ये चौड़ी भी होती है और छोटी भी होती है. Small intestine जहाँ 7.5 meters long होती है, where it is 1.5 meters long only. तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करता है, उसको क्या करता है ये? उसमें से सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जो रिमेनिंग पार्टिकल रहते हैं, रिमेनिंग डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस बच जाते हैं, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस बच जाते हैं, इट पासिस इनटू द रेक्टम, एंड इन रेक्टम the undigested substance remains there as semi-solid phases. Here, it remains as semi-solid phases, and time to time it passes through the anus. So the removal of the fecal matter through this anus is called as egestion. So students, this is the digestive system in human beings. The food enters through the mouth, and in the mouth the starch is break down by the saliva, and through the esophagus it enters into the stomach, and the protein is break down in the stomach, and after that the food is passed to the small intestine, where the small intestine absorbs the food and it forms simpler substances of the components of food, and the undigested part, unabsorbed food components is sent to the large intestine. In large intestine,
salt and water is absorbed and the remaining matter is passed to the rectum where it removes from the anus time to time fecal matter. So in nutrition there are 5 steps. Nutrition is completed into 5 steps. First is called ingestion, second is called digestion, third is called absorption, fourth is called assimilation, and the last one is egestion.